डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट, जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपनी इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी और मैं हूं आपके साथ रूपल अंसारी। क्या मेरठ का माहौल एक बार फिर से गर्मा रहा है? पिछले दो दिन हुई 3 वारदात तो कम से कम यही बयां कर रही हैं। 3 वारदात हिंदू मुस्लिम के बीच की खाई को बढ़ाने वाली हुई हैं। माना जा रहा है कि यदि समय रहते ऐसी घटनाओं व प्रवृत्ति पर रोक नहीं लगी तो हालात कुछ और ही होंगे। यहाँ हम बात कर रहे हैं बुधवार को शास्त्री नगर में हंगरहेड में हुई घटना व प्रवृत्ति की। इसके बाद ब्रह्मपुरी में घर से पैसे व जेवर लेके भगाई गई युवती की और गुरुवार की सुबह हुई सफाई सुपरवाइजर हृदेश के साथ हुई मारपिटाई व उसके बाद कोतवाली थाने के घेराव। इससे पहले भगत सिंह मार्केट में बहुसंख्यक समाज के युवक की पिटाई की वारदात। यह युवक मुस्लिम युवती के साथ भगत सिंह मार्केट पहुंचा, जहां मुस्लिम लड़कों ने यह कहते हुए उसकी पिटाई कर दी थी कि वह इन युवतियों को लेकर क्यों आया है। युवती बराबर चिल्लाती रही कि युवक उनका दोस्त है, लेकिन पिटाई करने वाले पास नहीं आए। इस घटना में पुलिस ने अब तक 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है। बात शुरू करते हैं बुधवार की शाम की। शास्त्रनगर में हंगरहेड में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने यह कहते हुए हंगामा किया कि यहाँ लव जिहाद को बढ़ावा देते हुए हिंदू युवतियों को निशाना बनाया जा रहा है। देखिए वीडियो। इस कैफे के अंदर और मुस्लिम युवकों के नाम के साथ में हिंदू लड़कियों के नाम लव जिहाद को बिल्कुल बढ़ावा देने वाला ऐसा ये सेंटर। तो कार्यकर्ताओं ने अंदर घुसकर देखा तो मालूम पड़ा कि पूरी ताकत के साथ में और यहाँ पर इंटेंशनली ये काम किया जा रहा है। एक और जहाँ संगठन और हिंदू समाज जागृत हो गया है और इस लव जिहाद को समाप्त करने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है, ऐसे में ये लोग यहाँ पर अपना सेंटर चलाते हैं और हिंदू बहन बेटियों को फंसाने का प्रयास करते हैं। बुधवार की शाम ही ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में सैनी समाज की एक युवती को भगा ले जाने वाले 20 दिन बाद उसकी बरामदगी होने पर हंगामा किया गया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरधना निवासी सुहेल तारापुरी में रहता है। खुद को उसने हिंदू वे नाम टोनी बताते हुए कक्षा 10 की छात्रा को प्रेम जाल में फंसा लिया और घर से भगा ले गया। छात्रा अपने साथ कुछ जेवर व पैसे भी ले गई थी। देखिए रात भर ब्रह्मपुरी में चले घटनाक्रम को। मैं हिंदू जागरण मंच मेरठ महानगर अध्यक्ष ललित संयोजक, मेरे साथ में सह संयोजक के रूप में प्रदीप कौशिक जी भी हैं, कुलदीप वर्मा जी हैं, हमारे गुरु जी सुधांशु महाराज जी हैं, मन्नू भारद्वाज और समाज सैनिक का सारा परिवार खड़ा हुआ है। लड़की विधर्मी द्वारा भगा के बहला फुसला के ले गया गया, अपना नाम टीनू बताते हुए। बाद में उसकी जानकारी में आया कि लड़के का नाम सुहेल है, लेकिन जब तक वो अपना काम कर चुका था। आज 20 दिन बाद वो लड़की बरामद हुई है, लेकिन सबसे बड़ा दुख ये है कि उस लोग उसमें शामिल है। इस प्रकरण में लड़की को साड़ी खरीदवाई है, कपड़े खरीदवाए हैं, जूते चप्पल खरीदवाए हैं, बाप डेली बता देता था। उसके बाद ये पता लगा कि सरधने का रहने वाला कांग्रेसी प्रधान भी रहा है, कांग्रेस का कोई प्रत्याशी रहा है प्रधान, सरधने के रहने वाले हैं और भूमिया के पुल चूने वाली दुनी में वो लड़का काम करता है। यानीलाल अस्पताल भेज दिया है, लेकिन जिस तरह का लव जिहाद ये चल रहा है अपने आप में बड़ा अफसोस। मैं उसकी जितनी निंदा करूं कम है। कहते हैं कि हम तुम्हें पैसे से सब चीज़ से परिवार को दुकान को सब करा देंगे, होगा क्या? उस लड़की को पता नहीं है। 6 महीने बाद 8 महीने बाद किसी सूटकेस के बैग में लटकी मिलेगी या उसके साथ उसको ये बना दिया जाएगा। आजकल 13 स्टोरी जो मूवी चल रही है, जो दिखाया जा रहा है, वो हाल होगा। गुरुवार की सुबह कोतवाली थाना क्षेत्र के पोदीवाड़ा में सफाई सुपरवाइजर हृदेश को पीट दिया गया।
इसके विरोध में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने कोतवाली पर हंगामा किया। आरोप है कि जिस व्यक्ति ने मारपीट की है वह मुस्लिम है और इससे पहले भी वह तमंचे आदि का प्रदर्शन करते हुए मारपीट की वारदात कर चुका है। कुल मिलाकर जिस तरह सांप्रदायिक रंग देते हुए माहौल गरमाया जा रहा है वह किसी भी दशा में शहर की अमन शांति के लिए उपयुक्त नहीं है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट फाइट टीवी।